आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग कि किस तरह से आप लोग कॉलबैक्स के अंदर एरर्स को हैंडल कर सकते हो। हम लोग देखेंगे कि कॉलबैक हेल क्या होता है और पिरामिड ऑफ डूम क्या होता है और क्यों हम लोगों को इसे अवॉइड करना है। चलते हैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो यार, हम लोगों ने देखा कि कॉलबैक क्या होती है, हम लोगों ने कॉलबैक के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, लेकिन क्या हमें कॉलबैक हमेशा इस्तेमाल करनी है, इस सवाल का जवाब इस वीडियो में छुपा हुआ है। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस सवाल का जवाब है नहीं, कॉलबैक हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कॉलबैक कभी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ आपको डाउनसाइड्स बताऊंगा कॉलबैक की जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये हमारा 52nd वीडियो है जिसके कोड को मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है और यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा मैं कि क्या दिक्कत है कॉलबैक के साथ। हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ी थी, हमने देखा था कि चलो ठीक है यार, हम एक फंक्शन पास कर देते हैं एक फंक्शन को और उसके बाद जैसे ही वो फंक्शन कुछ काम कर लेता है हमारी कॉलबैक जो है रन हो जाती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारा काम जो है वो हो चुका है। हमने एरर हैंडलिंग भी देखी थी। चलो जी ठीक है, अब बात करेंगे पिरामिड ऑफ डूम की, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन पिरामिड ऑफ डूम से भी पहले एक प्रॉब्लम आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कॉलबैक हेल की। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा, बहुत ही सिंपल सा काम करूँगा, यहाँ पर कट करके इसको पेस्ट कर लिया मैंने यहाँ पर, ताकि जो 52nd रैपल का कोड है वो मिक्स ना हो जाए। इसमें हम काम करें 53rd वाली रैपल में और इसको रन करके ज़रा नई टैब में भी खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें दिखती रहे, मज़ा आता रहे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना आप लोग कि इसको मैं क्लोज़ करता हूँ एक मिनट। देखो हमने क्या किया था कि हमने कहा था कि भाई देखो लोड स्क्रिप्ट एक फंक्शन है। अब लोड स्क्रिप्ट फंक्शन कोई ना कोई तो लिखेगा ना, डेवलपर ही लिखेगा ना लोड स्क्रिप्ट फंक्शन को। मैंने कहा कि भाई ये वाली स्क्रिप्ट लोड कर दे और जब स्क्रिप्ट लोड हो जाए तो गुड मॉर्निंग रन कर देना। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है, बट मान लो कि जब स्क्रिप्ट रन ना हो पाए तब एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा। और वो डिज़ास्टर जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने एक मेथड लिखा हुआ है, सेंड इमरजेंसी मैसेज टू CEO। हम यहाँ पर एक मेथड रन कर रहे हैं। अब आप कहोगे क्या मेथड रन कर रहे हैं भाई, हम एक मेथड जिसका नाम है सेंड इमरजेंसी मैसेज टू CEO वो रन कर रहे हैं। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड हमारी कंपनी के CEO को जगा देता है, सोते हुए CEO को जगा देता है और उससे कहता है उठ भाई। मतलब अगर CEO सो रहा होगा तो उसके घर में अलार्म बजने लग जाएंगे, उसके फोन की घंटियां बजने लग जाएंगी, हो सकता है कि उसके बेड के नीचे से डंडे निकलने लग जाए और उसके मारने लग जाएंगे, भाई उठ तुम्हारी जो कंपनी है उसमें बहुत बड़ा एक एरर आ चुका है। तो लोड स्क्रिप्ट फंक्शन कोई आम फंक्शन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट और जिम्मेदारी वाला फंक्शन है, क्योंकि अगर इस फंक्शन ने एरर प्रोड्यूस किया किसी भी रीजन से तो क्या होगा, हमारा CEO उठ जाएगा। और अगर CEO उठ गया तो CEO तो यार बड़ा गुस्से वाला आदमी है, वो छोड़ने वाला नहीं किसी को। तो जिम्मेदारी मान लो दी जाती है हैरी को। अब हैरी यार सारा काम खुद तो करेगा नहीं, ठीक है, तो हैरी ने क्या किया, हैरी ने कर लिया इंटर्न को हायर। हैरी ने इंटर्न को बुलाया, कहा भाई देखो तुम्हें मैं देता हूँ इंटर्नशिप, तुम्हें करना क्या है, लोड स्क्रिप्ट फंक्शन लिखना है, बहुत ही सिंपल सा काम है, तुम एक इंटर्न हो, सिंपल सा मैं तुम्हें टास्क दे रहा हूँ, तुम इस फंक्शन को लिखो और इस फंक्शन को लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है कि जैसे ही स्क्रिप्ट रन हो जाए तुम्हें गुड मॉर्निंग फंक्शन को कॉल कर देना है। और अगर तुमने गुड मॉर्निंग फंक्शन को तुम किसी भी रीज़न से कॉल नहीं कर पा रहे हो, कोई एरर आ गया, तो तुम्हें एक एरर यहाँ पर कुछ इस तरह से दे देना है। ठीक है, तो एरर क्या होगा, एरर यहाँ पर मिलेगा हमारी गुड मॉर्निंग फंक्शन को कॉल किया जाएगा, पहला आर्ग्यूमेंट एरर दिया जाएगा, सेकंड आर्ग्यूमेंट SRC दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग कुछ इस तरह से काम करता है कि इसको पहला एरर दे दो, सेकंड इसको SRC दे दो। तो मैंने किसको हायर किया, मैंने चिंटू को हायर किया, चिंटू, ठीक है, चिंटू को हायर किया मैंने। चिंटू से कहा, चिंटू भाई देखो तुम यार इतनी ऐप्स वगैरह बना रहे हो, उम्र के कम हो, लेकिन मैं तुम्हें जो है हल्के में नहीं लेना चाहता, मैं तुमसे बनवाना चाहता हूँ एक ऐप। और वो इस बार ऐप कोई एंड्रॉयड ऐप नहीं होगी, वो जावास्क्रिप्ट ऐप होगी, और जावास्क्रिप्ट ऐप भी नहीं होगी, उसका सिर्फ एक लोड स्क्रिप्ट फंक्शन होगा। तो यहाँ पर तुम मुझे ज़रा ये बना कर देगा। और चिंटू बोलेगा हाँ भाई मैं तो भाई ऐप्स वगैरह बनाता हूँ, पूरी दुनिया के CEO दुनिया भर के मेरे पास आते हैं, तो मैं क्यों ना यहाँ पर जो है लोड स्क्रिप्ट फंक्शन को लिख दूँ। तो मैं कहूँगा यार चिंटू लिख ही देगा यार, मैंने कर लिया चिंटू पर अंधाधुंध भरोसा। अब सुनना स्टोरी, सुनना स्टोरी का बहुत बड़ा नतीजा निकलेगा, एंटरटेन करने के लिए नहीं बता रहा हूँ सिर्फ। लोड स्क्रिप्ट फंक्शन को लेकर चिंटू ने कर दी एक गलती, और चिंटू ने क्या किया, गलती से गुड मॉर्निंग को कॉल कर दिया। मैंने पूरा गुड मॉर्निंग फंक्शन पकड़ा दिया चिंटू को, ज़रा सोचो कितना घातक है, चिंटू गुड मॉर्निंग को एरर के साथ कॉल कर सकता है अब, क्योंकि चिंटू के हाथ में पहुंच चुका है फंक्शन। मैंने ये फंक्शन चिंटू के हाथों में दे दिया, ब्लाइंडली भरोसा कर लिया चिंटू पे, मैंने कहा भाई ये फंक्शन ही ले ले तू पूरा, जैसे मन चाहे इसको कॉल कर। तो इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, कि हमने एक फंक्शन को ही पूरा पास कर दिया लोड स्क्रिप्ट को, हमने एक दूसरे फंक्शन को एक फंक्शन पकड़ा दिया पूरा, अब उस फंक्शन के साथ कुछ भी किया जा सकता है। अब चिंटू ने क्या करा, कर दी गलती,
और यहाँ पर गुड मॉर्निंग के साथ एरर को ट्रू कर दिया, उसने कुछ ऐसी गलती कर दी यहाँ पर लोड स्क्रिप्ट में कि कॉल बैक नल SRC ना करके कॉल बैक ट्रू SRC कर दिया। अब उसने क्या सोचा, क्या हुआ, गलती भाई इंसान से होती है, चिंटू एक इंसान ही है। और ऐसा करने से क्या हुआ कि स्क्रिप्ट लोड होने के बाद भी गुड मॉर्निंग को कॉल किया गया जब, तो एरर था ट्रू, और एरर के ट्रू होने से कंसोल डॉट लॉग ट्रू हो गया और सेंड एमरजेंसी मैसेज टू CEO रन हो गया। CEO सो रहा था रात के 2 बजे, CEO उठा, उसने हैरी को फ़ोन किया कि भाई क्यों उठा मैं, कौन सी स्क्रिप्ट फेल हुई। पता चला कोई स्क्रिप्ट फेल ही नहीं हुई है, गलती चिंटू ने करी थी। तो चिंटू ने क्या किया, हैरी को फायर करवा दिया। मतलब अब आप देखो यहाँ पर ये कितना क्रिटिकल है, कितना ज़्यादा खतरनाक चीज़ है कि यार हमने गुड मॉर्निंग फंक्शन पकड़ा दिया चिंटू को। अब हैरी बैठ के सोच रहा है कि यार अगर मैंने चिंटू को गुड मॉर्निंग फंक्शन एज इट इज़ नहीं पकड़ाया होता तो आज मेरी नौकरी मेरे हाथ में होती। और हैरी बहुत परेशान, निराश, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने निकला। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रोमिसेस, क्योंकि प्रोमिसेस जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आप देखोगे कि इस तरह की गलती चिंटू चाह के भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये मैं आप लोग को दिखाऊंगा। चिंटू जो भी काम करेगा उसके लिए हैरी बस वेट करेगा और चिंटू के आउटपुट को लेकर जो मन चाहे वो हैरी खुद कर पाएगा। ठीक है, तो कॉल बैक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पूरा का पूरा कंट्रोल पकड़ा देते हैं। फिर दूसरी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करता हूँ, वो है पिरामिड ऑफ डूम, जिसको कॉल बैक हेल भी कहते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कि जब हम टिपिकली कॉल बैक्स को इस्तेमाल करते हैं तो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, और बात बराबर ही है यार, या तो मैं फंक्शन गुड मॉर्निंग को कॉल कर लूँ या फिर मैं क्या करूँ कुछ इस तरह से कर लूँ। तो मैं जल्दी से सेटिंग्स पर क्लिक करूँगा रैपलेट की और रैपिंग को नन कर दूँगा जस्ट आपको दिखाने के लिए, क्योंकि अभी रैप हो जा रहा है तो पता नहीं चल रहा है आपको। और मैं यहाँ पर इसको क्लोज करूँगा। अब देखो हमने क्या किया, इसको ज़रा फॉर्मेट भी कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमने कहा लोड स्क्रिप्ट चलाओ, लोड स्क्रिप्ट चलाकर बूटस्ट्रैप को लोड कर दो। ठीक है, बूटस्ट्रैप को लोड कर दो, और अगर बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली लोड हो जाता है, देखो एरर आता है तब तो हम हैंडल कर ही रहे हैं, इमरजेंसी मैसेज भेज ही रहे हैं CEO को, लेकिन अगर लोड हो जाता है तो यार ये अलर्ट गुड मॉर्निंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक दूसरी स्क्रिप्ट को लोड कर दो, जो कि क्या होगी, मैं इसको कुछ इस तरह से कर लेता हूँ, जो कि क्या होगी, जो कि बूटस्ट्रैप 2 होगी। मान लो बूटस्ट्रैप 2, बूटस्ट्रैप का एक और पार्ट जो कि जब बूटस्ट्रैप लोड होता है उसके बाद हो, ऐसा कुछ है नहीं, बस मैं आई एम जस्ट मेकिंग इट अप आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए। और क्या होगा, गुड मॉर्निंग फंक्शन दोबारा से पकड़ा दो। ठीक है, गुड मॉर्निंग फंक्शन क्या करता है, गुड मॉर्निंग फंक्शन के अंदर हम एक और स्क्रिप्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करूंगा यहां से, आप देखना ध्यान से, और इस फंक्शन को यहां पर दोबारा से पकड़ा दूंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा कि यहां पर जो गुड मॉर्निंग है इसकी जगह पर मैं दोबारा से यही काम करूंगा, फिर दोबारा से मैं यही काम करूंगा, और ये काम करता ही जाऊंगा, करता ही जाऊंगा, करता ही जाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो तो हमारा कोड कुछ इस तरह से दिखेगा, क्योंकि देखो हम अभी यहाँ पर क्या है, हम अभी कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पर इंडेंट साइज़ को थोड़ा बढ़ा देता हूँ जस्ट आपके लिए, ताकि आप थोड़ा सा इसको समझ पाओ कि चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। अब देखो जितने लोड स्क्रिप्ट्स मैं डालता जा रहा हूँ, हमारा कोड जो है राइट साइड की तरफ ग्रो करता जा रहा है। अब देखो मैं यहाँ पर लोड स्क्रिप्ट्स डालता जाऊंगा और इतनी सारी आपको डालकर दिखाऊंगा कि फील आ जाएगी आपको कि प्रॉब्लम क्या है, ये कॉल बैक हेल क्या होता है, ये पिरामिड ऑफ डूम बना के दिखाऊंगा आपको एक्चुअल में। अब देखो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हमारे कोड का लॉजिक क्या है ये बताता हूँ पहले मैं फॉर्मेट करके आपको। हमारा कोड ये कह रहा है, हमारा कोड कह रहा है कि भाई देखो पहले बूटस्ट्रैप को लोड कर लो, बूटस्ट्रैप लोड हो जाए तो बूटस्ट्रैप 2 को लोड कर लो, बूटस्ट्रैप 2 लोड हो जाए तो बूटस्ट्रैप 3 को लोड कर लो, बूटस्ट्रैप 3 भी सक्सेसफुली लोड हो जाए तो बूटस्ट्रैप 4 को लोड कर लो, बूटस्ट्रैप 4 सक्सेसफुली लोड हो जाए तो 5 को कर लो, बूटस्ट्रैप 5 लोड हो जाए तो 6 को कर लो, बूटस्ट्रैप 5 लोड हो जाए 7 लोड कर लो, 8 लोड कर लो, 9 लोड कर लो। ठीक है, करते जाओ ऐसे ही, और ये देखो आपके कोड की क्या हालत बन गई, देख रहे हो ये क्या है, मतलब इसको ये रीडेबल है क्या कोड, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी को कहते हैं कॉल बैक हेल, और इसी को कहते हैं पिरामिड ऑफ डूम। तो आप लोग कहोगे तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, आपको प्रोमिसेस यूज़ करना है। हमारा कोड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे तो ग्रो ही होता रहेगा, और यार ये कौन ट्रैक रख रहा है, हम कौन से वाले फंक्शन के अंदर, नहीं कोई ब्रैकेट देखते फिरोगे आप, समझ रहे हो प्रॉब्लम को क्या है। अगर गूगल सर्च भी करोगे पिरामिड ऑफ डूम और इमेजेस में देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊँ पिरामिड ऑफ डूम्स, ये देखो ये ताऊजी भी शायद दिखा रहे हैं, एक मिनट ये वाला देखते हैं, पिरामिड ऑफ डूम ये देखो इस तरह से आपका कोड हॉरिजॉन्टली ग्रो करता जा रहा है, और ये रीडेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। अब देखो मैंने एक बात लिखी हुई है चैप्टर 9 में, व्हेन वी हैव कॉल बैक इनसाइड कॉल बैक्स द कोड गेट्स डिफिकल्ट टू मैनेज। क्या आपके पास कॉल बैक इनसाइड कॉल बैक्स हो सकती हैं,
हाँ यार हो ही सकती है, मैं ऐसा कर ही सकता हूँ कि लोड स्क्रिप्ट हो जाए तो मैं कुछ करूँ, फिर वो चीज़ हो जाए तो मैं एक और चीज़ करूँ। मान लो मैं सारी वेबसाइट्स को लोड कर रहा हूँ एक एक करके, मान लो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी वेबसाइट ए लोड हो जाए तो वेबसाइट ए की एक सर्विस लोड हो, फिर वेबसाइट ए की वो सर्विस लोड हो जाए तो कुछ और हो, तो इस तरह से तो मैं कॉल बैक्स लगा ही सकता हूँ ना, एक एक्शन बाय एक्शन एक एक करके परफॉर्म कर ही सकता हूँ ना, तो उसमें तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँगा तो ये देखो हॉरिजॉन्टली मेरा कोड जो है वो ग्रो करता जा रहा है, वर्टिकली होना चाहिए था, हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ट्रिपल डॉट्स मैंने लगा रखे हैं कि यहाँ पर कुछ कोड आएगा, ओके। एज कॉल्स बिकम मोर नेस्टेड द कोड बिकम्स डीपर एंड इंक्रीजिंगली मोर डिफिकल्ट टू मैनेज, स्पेशली इफ वी हैव रियल कोड इनसाइड ऑफ इंस्टेड ऑफ ट्रिपल डॉट। ट्रिपल डॉट तो ऐसे ही लगा दिया कि यहाँ पर कुछ कोड है, भाई आपके इफ एल्स स्टेटमेंट्स भी होंगे, आपके लूप्स भी होंगे, हो सकता है कि आपने कुछ मैप्स लगा दिए, जावास्क्रिप्ट के डॉट मैप फंक्शंस लगा दिए, तो वो सारी कॉल्स तो यार और खतरनाक बना देंगे इस चीज़ को, समझ रहे हो आप लोग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो यार ये प्रॉब्लम तो बड़ी है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है प्रॉमिसेस। तो दिस इज समटाइम्स कॉल्ड कॉल बैक हेल और पिरामिड ऑफ डूम, द पिरामिड ऑफ दीज कॉल्स ग्रोस टुवर्ड्स द राइट विद एवरी एसिंक्रोनस एक्शन। जैसे जैसे एसिंक्रोनस एक्शंस आप लोग कॉल बैक्स वाले लगाते जाओगे, आपका हॉरिजॉन्टली बढ़ता चला जाएगा कोड यार राइट की तरफ, हो सून इट स्पाइरल्स आउट ऑफ कंट्रोल, सो दिस वे ऑफ कोडिंग इजंट वेरी गुड। बट क्या ये वे ऑफ कोडिंग बैड है? नहीं यार, इट्स नॉट बैड ईदर, आप लोग यूज़ कर सकते हो इसको डेफिनेटली। बट अगर आपके पास कॉल बैक्स के बाद कॉल बैक्स हैं, तारीख पे तारीख, कॉल बैक पे कॉल बैक, नहीं यूज़ करना इसको। आप लोग अगर एक दो कॉल बैक्स हैं तब यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमने लोड स्क्रिप्ट लिखा था, यार एक कॉल बैक तो चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके पास पूरा कॉल बैक का पूरा भंडार आ जाता है, तब वहाँ पर दिक्कत होती है, और इस दिक्कत को सॉल्व करवाऊंगा इसी कोर्स में मैं आप लोगों को। हम लोग देखेंगे प्रॉमिसेस को अगले वीडियो में, और ये सॉल्यूशन है कॉल बैक्स का। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं, सबसे पहले ये मुझे नीचे कमेंट में बता दो। और अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इसे ज़रूर एक्सेस कर लेना, या क्लिक करके इसे बुकमार्क करें सब लोग अभी के अभी, या क्लिक करके सेव करें। और एक्चुअल में कर रहा ये चीज़ क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट जो है, बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे कि ये हमारी गूगल सर्च में, YouTube सर्च में नहीं आ रही है। तो यार अगर नहीं आ रही है तो आप लोग सिंपली इसको सेव कर लो, और यहाँ पर आप इसको बुकमार्क कर लो, और आप लोग को देखने को मिल जाएगी ये प्लेलिस्ट। आप लोग इसको स्टार्टिंग से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।